हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है कैसे आप यहाँ पर फ्रेंड, इसमें आपको ऑप्शन मिला फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट लोग कैसे हटाएंगे आप, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। ये है टेक्नो के मोबाइल में। फ्रेंड, सेगमेंट से पहले एक बात और कहूंगी, आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप देख रहे हैं A to Z टिप्स ऑनलाइन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको यहाँ सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह इंटरफेस आएगा, ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करना है। सिक्योरिटी का ऑप्शन मिला, इस पर क्लिक करना है। फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है। लोक स्क्रीन पास करके इसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पर फिंगरप्रिंट 1 एंड फिंगरप्रिंट 2 है सेटअप। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। डिलीट का है ये ऑप्शन, डिलीट हो जाएगा। इस पर क्लिक करना दोबारा। और दूसरा फिंगरप्रिंट, यहाँ पर फिंगरप्रिंट 1 में डिलीट कर रही है, इस पर क्लिक करना है। डिलीट पर क्लिक करना है और ये देखिए ऐसे ही आपको रिमूव कर लेना है और डिलीट करना है, इसका इस्तेमाल कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर और इसका यूज कर लेना है, ये हो चुका है फिंगरप्रिंट स्क्रीन रिमूव। फ्रेंड्स, तो ये था सेटिंग। यहाँ पर पैटर्न लोग, अगर आपको लॉक स्क्रीन पासवर्ड हटाना है तो वो भी आपको ऑप्शन मिला था, जिसमें पैटर्न लोग मैंने सेटअप करके यहाँ से आप पिन लोग पासवर्ड भी ऐसे ही हटा सकते हैं। आप स्वाइप पर क्लिक करना है तो यहाँ पर ये देखिए रिमूव पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर इससे क्या हुआ, ये लॉक स्क्रीन पासवर्ड भी रिमूव हो चुका है और फिंगरप्रिंट भी रिमूव हो चुका है। तो ऐसे आपको यूज कर लेना, जिसके आप देख पा रहे हो चुका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।